जी मैडम बताइएगा आपके हवाले से अंदर क्या परिस्थिति चले कोई बात नहीं खैर है जी मैम आज के जो केस की वजह से आज देखे आपको पता है रात को 6 जजेस ने जो एक खत लिखा है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम एक खत आपके सामने है लेकिन 6 जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर अतम एतमाद किया इमरान खान ने पिछले 1.5 साल से आमिर फारूक के अदम एतमाद किया उन्होंने कहा इसके आगे से मेरे केसेस हटवाएं लेकिन आज क्योंकि हमारा साइफर का केस लगा हुआ था डबल बेंच के आगे यकीन करें एक बड़ा मुश्किल फैसला है क्योंकि सारी क्यादत चाह रही थी कि हम इसके ऊपर अदम एतमाद करके आमिर फारूक के आगे से केस हटाएं हमने अल्लाह से दुआ करके और अल्लाह से उम्मीद रख के कि वो हमारा साथ देंगे इमरान खान का हमने आमिर फारूक पे एतमाद इस चीज़ पे किया है कि क्योंकि साइफर केस में कोई मेरिट नहीं है आमिर फारूक को अल्लाह हदायत देगा और वो इंसाफ जो हक बनता है इमरान खान का और शाह महमूद का वो उनको मिलेगा इसलिए हम आमिर फारूक से अपील करते हैं कि अब उसको मौका है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे और उनकी अगली नस्लें इनको उन अल्फाज में याद रखें जो एक शर्मिंदगी का बायस हों आज ये वो दिन आ गया कि ये अपने अगले बच्चों पे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे अगली नस्लों के लिए फैसला कुन दिन है उनके लिए कि वो क्या चाहते हैं कि वो किस तरह याद किए जाएंगे अपनी औलाद से ये ना हो कि आज उनके बच्चे और उनके आगे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ इनका नाम लेने से शर्मिंदा हो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ आज हमने उन पर ये भरोसा कर रहे हैं कि अपने फैमिली का भी ख्याल रख के और हमारा भी ख्याल रख के ये जो इंसाफ होना चाहिए वो ये इस केस में मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे